फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल एंड मैं हूं निशा राज। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में एनटीपीसी एमटीएस एंड साथ ही साथ ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए ये मैथ का टेस्ट सीरीज। तो अगर आप बना सकते हैं तो प्रत्येक वीडियो को पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाए और इसका आंसर चेक करते जाए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर 33% का लाभ हो। क्या कहा गया कि वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर, यानी कि जितने में खरीदा उससे कितना रुपया ज्यादा, यानी कितने परसेंट उसे अंकित मूल्य किया जाए। जैसे कि अगर आपने 10 में खरीदा तो अंकित मूल्य को आपने क्या करते हैं कि बढ़ा के देते हैं, ताकि जब उस पर अगर मान लिया 15 रुपया बढ़ा दिया आपने तो इस पर कुछ छूट देते हैं, फिर भी आपको प्रॉफिट ही होनी चाहिए। तो वही कहता है कितना परसेंट बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य किया जाए कि ग्राहक जब उसे 5% का डिस्काउंट दे ना, फिर भी उसे 33% का प्रॉफिट हो। तो चलिए सीपी को नाम सीपी रहने देते हैं। सीपी में क्या होता है कि प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग। तो अगर प्रॉफिट कमाना है कितना, 33% का, तो आप बेचेंगे कितने में, 133% में। अब डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। ओके, तो एमपी हमने रख दिया। मार्केट प्राइस पे अगर 5% का डिस्काउंट देना है तो आप बेचेंगे कितने में, 95% में बेचेंगे। ये भी हमारा एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, दोनों को कर दिया हमने इक्वल। ये 100-100 कैंसिल हो गया। अब सीपी इज टू एमपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे ना, तो ये निकल जाएगा 95 और ये 133। अब क्या कहा, सीपी देखिए 95 है और एमपी ना 133 है, तो कितने परसेंट अधिक है, यही तो निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो कितना परसेंट हो जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कितना, 38 ज्यादा है। ज्यादा कोई भी चीज कितनी परसेंट ज्यादा है ये हमेशा हमें कम बताता है। 95 इंटू कर देंगे 100। अब 19 से कट कर दीजिए इसे 2 टाइम में और इसे कट कर दीजिए 5 टाइम में। 5 से कट कर दें इसे 20 टाइम में, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 40%। यानी सीपी से 40% अगर अधिक हम अंकित करते हैं तब कॉस्ट मतलब कि डिस्काउंट देने के बाद भी 33% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये तो हुआ कि बिना फॉर्मूले का, कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो आप जनरली ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है, इसके लिए फॉर्मूला आता है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बाई 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट है कितने का, 33 का, डिस्काउंट 5 का, 100 में डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो कितना, 95 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। देखिए वही चीजें आ गई, 33 और 5 को जोड़ेंगे तो 38 बाई 95 मल्टीप्लाई 100, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 40% ही आंसर आएगा। तो आपको अगर ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो भी आप इस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपया हो जाती है तथा 6 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको रेट निकालना है। अब देखिए 6 वर्षों में ये सिंपल इंटरेस्ट है, हो जाता है कोई धन 1000 रुपया, यानी कि ये क्या है आपका अमाउंट, मिश्र धन दिया गया है। और 3 वर्षों की अगर बात करें तो 3 वर्षों में ये 850 रुपया हो जाता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक ईयर इंटरेस्ट सेम टू सेम होता है, कभी बढ़ता नहीं है। अगर आपका पर ईयर 50 रुपये का इंटरेस्ट है तो वो 50 ही लगेगा, ज्यादा नहीं होगा। सीआई में आपका ये ब्याज का ब्याज लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा माइनस होके, और चूंकि मैंने कहा कि ब्याज तो पर ईयर एक ही होता है, तो ये जो इन दोनों में अंतर है अमाउंट में, वो क्यों, इसके ब्याज के वजह से। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज हो जाएगा। तो 3 वर्ष का ये क्या निकल गया, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। रेट निकालना है आपको, रेट इक्वल टू क्या करेंगे हम, ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 बाय पी इंटू टी। पी कैसे निकालेंगे, अगर 3 वर्ष का आपको मिश्रधन मालूम है और 3 वर्ष का ब्याज मालूम है तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 850 में 150 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 700। अब यहाँ पे पुट करते हैं, 150 मल्टीप्लाई 100 बाय 700 मल्टीप्लाई टी कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। इसे कट करें तो 2020 यहाँ से कट हो जाएगा, 3 से कट करें तो 50 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 50 बाय 7। इसे कट करें तो पूरी तरह कट नहीं होगा,
सेवन पूर्णांक 1/7% आ जाएगा इसका रेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूं तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 पढ़ता हूं। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं, यानी कि अब ना 30 पेज और बचा हुआ है पढ़ने के लिए, 30 पृष्ठ, तो बताना है आपको कि पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो मान लीजिए ना कि पृष्ठ की संख्या x थी, और जब भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3/8 भाग पढ़ा, फिर शेष भाग का इतना पढ़ा और फिर शेष रह गया। तो जब भी शेष शेष ऐसा दिया रहे ना, तो ये हमारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी बना देता है। कैसे, देखिए 3/8 भाग पढ़ा ना, बचा कितना 3/8 में बचा कितना, माइनस कीजिए तो 5/8 बचा, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/8। अब फिर शेष का 4/5 भाग पढ़ा तो बचा कितना, तो 1/5 बचा, और बचा हुआ कितना है 30। ये कट हो जाएगा, 5/5 कैंसिल, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। यानी कि पुस्तक में टोटल कितने पृष्ठ है, तो 240, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13^143 है और प्लस 143 को कहता है 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। तो अब यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पे कोई किसी तरह का रूल नहीं काम कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे कि कल हमने बताया था आपको कि a की पावर x चाहे प्लस b की पावर x ऐसा कुछ दिया रहे तो a प्लस b से कटेगा, या माइनस रहे तो माइनस से कटेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है, अगर इसकी पावर 143 देते हैं तो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड हम लोग करेंगे। और अगर पिछली वीडियो को जो नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा प्लीज। तो देखिए कैसे ऐसे कैसे सॉल्व करना है। इस तरीके से हमने लिख दिया, अब ना इसे क्या करेंगे कि 143 को 4 से डिवाइड करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब 3 डिजिट हो ना, तो आपको बस लास्ट के 2 डिजिट आपको 4 से डिवाइड करने हैं, तो कितना शेष बच जाएगा 3। तो 13^3 प्लस 143 करेंगे। ये आपका ऐसा मेथड है कि अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं भी याद है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर 13^3 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2197, उसके बाद 143, इसे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2340। अब इसे आपको डिवाइड करना है 14 से, तो आप ना इसे डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने आप सभी को आता है, जब आप डिवाइड करेंगे ना इसे, तो कितना शेष बचेगा मालूम, 2 शेष बचेगा इसका। और यही तो पूछा गया था कि शेषफल कितना बचेगा, तो 2 शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 विषम लेकिन क्रमागत, क्रमागत का मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, कहता है संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या पूछी गई है ना आपसे, तो क्या करना है आपको, ऑप्शन से चलिए ना, बीच वाली संख्या, यानी कि अगर पहला ऑप्शन लेके चलते हैं तो बीच वाली संख्या 7, तो इसके पहले वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी 5, और इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 9। क्या कहा, इन तीनों का योग, जब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़ने पे आ जाएगा कितना 21। तो कहता है कि इसका जो योग है ना, पहली संख्या से 20 अधिक है, तो यहाँ पे देखिए तो अंतर 20 अधिक है क्या, नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा कट। दूसरा ऑप्शन रखते हैं बीच वाली संख्या 9, तो इसके पहले वाली संख्या 7 हो जाएगी और इसके बाद वाली संख्या 11 हो जाएगी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। कहता है इन तीनों का योग ना पहली वाली संख्या से 20 अधिक होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे माइनस करके, जी हाँ ये 20 अधिक है, तो इसके अनुसार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। और अगर आपको मेथड से बनाना है तो एक संख्या मानिएगा x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, ऐसा आपको मानना होगा। और कहता है कि इन तीनों का योग, यानी कि जोड़ देंगे हम, इन तीनों का योग जो है पहली वाली संख्या से कितना अधिक है 20, तो पहली संख्या x, तो उसे माइनस कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 20। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए तो ये देखिए कट गया, यहाँ पे 2x प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 14 ना। अब 2 से इसे कट कर दीजिए तो x का मान कितना आ गया 7, लेकिन आपसे क्या बीच वाली संख्या पूछी गई थी, तो बीच वाली संख्या x प्लस 2, 7 प्लस 2 यानी कि 9 हो जाएगा हमारा आंसर।
अगला सवाल दिया गया है, कहता है 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या होगा। अब देखिए कहा क्या गया, टोटल 9 व्यक्ति हैं, इसमें से 8 लोगों ने 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया, यानी अगर 8 लोगों का खर्च निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 240 रुपया, बच गया एक। एक जो 9वां व्यक्ति है वो कितना पैसे देते हैं, तो 9 व्यक्तियों का जो औसत खर्च था ना, औसत खर्च, उससे 20 रुपया अधिक, तो मान लिया जाए कि 9 लोगों का औसत खर्च ना x रुपया था, तो 9वें व्यक्ति ने कितना दिया होगा, x प्लस 20, ओके। तो 8 लोगों ने दिया 240 रुपए और 9वें व्यक्ति ने दिया x प्लस 20 रुपीस, और इस तरह से टोटल रुपीस कितने हो गए, लोगों की संख्या 9 और इसका औसत x यानी कि 9x रुपीस। अब इसे अगर इस साइड करें तो माइनस होके कितना हो जाएगा, 8x, और यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 260। अब 8 से इसे कट कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा, एक काम कीजिए आप ना इसे रहने दीजिए, इसे हम कट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट कटेगा नहीं, तो x का मान हम क्या लिख सकते हैं, 260/8 लिख सकते हैं। अब ऐसे क्या करेंगे, इस x के मान को आपको क्या करना है, कहता है कि 9 टोटल कितना गया, कितना खर्च किया गया, तो 9 लोगों में टोटल कितना खर्च किया गया था, 9x ना, तो 9 मल्टीप्लाई x का मान हम लोग पुट कर देंगे 260/8। अब इसे आप कट कर दे 4 से, ये 2 टाइम में कट जाएगा और ये कट जाएगा 65 टाइम में। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 585/2 हो जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा 292.5, यानी कि इतना रुपया हो गया टोटल खर्च जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, कहता है एक चोर अपराहन 2:30 इतने बजे यानी कि 2:30 कार चुराकर 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराहन 3 लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब देखिए 2:30 में हुई चोरी और 3 AM में पता चला, ओके। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 PM में पता चला, ओके, क्योंकि दोपहर के होते थे, तो 2:30 चोरी हुई और 3 पता चला, तो कितने घंटे के बाद पता चला, आधे घंटे के बाद। आधे घंटे में चोर ने कुछ तो दूरी तय की होगी, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, हाफ आवर हमने लिखा। अब इसे कट करें तो 30 यानी कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो तय कर चुका है। अब मान लिया जाए, देखिए चोर यहाँ पे है और उसका मालिक यहाँ पे पीछा करना शुरू किया, डिस्टेंस कितने का, 30 किलोमीटर का। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर पीछा करने वाले की गति भागने वाले की गति से ज्यादा हो तो वो कंफर्म है कि उसे पकड़ लेगा चाहे जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन अगर कम हो तो वो कभी नहीं पकड़ पाएगा। अब इसे पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम की इस दूरी को मैनेज करने में लगेगा, तो समय निकाल लेते हैं, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, समान दिशा में चाल क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 15। इसे कट करेंगे तो 2 आवर होगा, 2 घंटे में वह चोर को पकड़ लेगा। कब से, 3 से पीछा करना शुरू किया ना, 3 से लेकर 2 घंटे, यानी कि 3 में 2 घंटे ऐड करेंगे तो कितने बजे वो पकड़ेगा, 5 यानी कि शाम हो जाएंगे, PM। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर उतनी ही हानि हुई जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। कहा क्या गया कि 270 रुपया में बेचने से ना हानि हो गई, कितने रुपए की हानि हुई, कि जितना कि वो अगर 10% के प्रॉफिट पर बेचता ना तो जितने रुपए का प्रॉफिट होता उतने ही रुपए की यहाँ पे हानि हुई, यानी कि लाभ और हानि इक्वल है। तो चलिए सीपी को ना हम लोग मान लेते हैं एक्स, अगर जब लॉस हुआ है तो एसपी क्या होगा, कम होगा, यानी एक्स माइनस 270, ये हो गया हमारा क्या, लॉस। प्रॉफिट कैसे होगा, सीपी पे होगा, तो एक्स का कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, 10%, यही हो गया, ये हो गया हमारा लॉस और ये हो गया प्रॉफिट, और दोनों क्या है, इक्वल। अब ये कट हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 10x
माइनस कितना हो जाएगा 2700, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, इसे जब इस साइड करेंगे तो माइनस होके कितना हो जाएगा 9x, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस में 2700। इसे कट करें तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 300। आपसे क्या पूछा गया था कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य पूछा गया था आपसे, यानी कि सीपी जो कि हमने एक्स माना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी तथा सी मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और सी साथ मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो आपको ये बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए करता है 8 दिन में, बी और सी करता है कितने दिन में 6 दिन में, ए और सी करता है कितने दिन में 4 दिन में। आप ना सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे आप ये निकाल लीजिए, तो ए 8 दिन में और बी और सी 6 दिन में, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो कितने दिनों में 8 × 6 हो जाएगा, और 8 + 6 यानी कि 8 × 6 बाय 8 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 2 से कट कर दें 3 टाइम में, ये 7 टाइम में, यानी 24/7 हो गया। अब ए बी सी में अगर ए सी को माइनस कर दें तो किसका निकल जाएगा काम, बी का निकल जाएगा, तो चलिए 24/7 माइनस क्या हो जाएगा 4 बाय 24/7 माइनस 4 ऐसा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा जो भी है आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस में ये नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/7 हो जाएगा, यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, चूंकि ये बड़ा है तो आपको इस साइड लिखना चाहिए, तो 28 - 24/7 ऐसा लिखा जाएगा ये, तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/7, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, ये कट हो जाएगा, और यहां से अगर कट करेंगे तो कितने 24 टाइम में, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, तो 24 टाइम में करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर ये प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट में इसे बनाइए, कैसे, जैसे कि मैं बराबर आपको बताती हूँ वर्क एंड टाइम का। ए 8 दिनों में, बी और सी करता है 6 दिनों में, ए और सी करता है 4 दिनों में, तीनों का नाम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24, यानी इतने वर्क इन तीनों को, इन सबको करने हैं। 8 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में होगा 3 टाइम में, 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में। अब मैंने क्या कहा कि ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करवाया जाए तो 7 काम करेंगे, जिसमें से कि अगर ए और सी को माइनस कर देंगे तो बी का काम निकल जाएगा। ए और सी कितना 6 काम करते हैं, तो माइनस कर दीजिए, यानी 1 काम करेगा बी, और करने कितने 24 काम ना, तो कितना टाइम लगेगा 24 दिन लगेंगे उसे काम करने में। ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही कम टाइम में आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उतनी ही दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता, यानी 2 घंटे कम लगते, तो कार की वास्तविक गति क्या है। तो वास्तविक गति को ना आप x किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं। अब क्या है कि दूरी जो है, दूरी में क्या है, दोनों का इक्वल ही है। सबसे पहले बात करते हैं समय, समय के बारे में क्या कहा गया कि 2 घंटे कम लगते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना 480, और अगर x चाल से चले तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चले यानी कि x प्लस 20, तब क्या होगा 2 घंटे कम समय लगेंगे। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे ना, इसमें क्या हो रहा है ज्यादा टाइम और इसमें कम टाइम, यानी माइनस करेंगे और 2 लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉन्ग प्रोसेस चलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से चलेंगे हम लोग ऑप्शन, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ऑप्शन अब यहाँ पे पुट करके देखें एक्स के जगह पे, और 2 अंतर आ जाए तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप, मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, मैं आंसर ही पुट करती हूँ, 60 आप रख के देखें, 480/60 रखेंगे हम लोग, 480/60 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसे कट करें तो कितने टाइम में कटेगा 8 टाइम में, और इसे कट करें तो कितने टाइम में 6 टाइम में, 8 - 6 का अंतर कितना हो जाएगा 2 घंटे का, और यही तो कहा गया कि 2 घंटे कम लगते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।